हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आई। बड़े चाचा के श्राद्धक्रम में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी है। पुलिस कस्टडी में 6 मई को शामिल होंगे। मीडिया और गवाहों के साथ नहीं करेंगे बात। राजनीतिक बयान देने पर रोक लगाई गई है। एक दिन का प्रोविजनल बेल दिया गया, मांगा गया था। तो देखिए, इससे जुड़ी हुई भी ये बड़ी खबर सामने आई हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई, जहां पर हमने देखा कि वो अपने बड़े चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे पुलिस कस्टडी में। 6 मई को वो शामिल होंगे। इस पर भी हम अधिक बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए, एक दिन के लिए हेमंत सोरेन जरूर बाहर आएंगे, लेकिन सशर्त। क्या कुछ इस पर और अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े चाचा का जो है पिछले दिनों निधन हो गया था, और जब उनका निधन हुआ था उसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है 13 दिनों का प्रोविजनल बेल की जो डिमांड है वो पीएमएल के विशेष कोर्ट से किया गया था। याचिका दायर की गई थी और उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात पीएमएल के विशेष कोर्ट ने जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि प्रोविजनल बेल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, और एक दिन का प्रोविजनल बेल का जो डिमांड है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 मई को उनके बड़े चाचा का श्राद्ध क्रम है, तो श्राद्ध क्रम में शामिल होने की जो इजाज़त है वो दी जाए। तो झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रोविजनल बेल का जो डिमांड किया गया था उस बेल को खारिज कर दिया, लेकिन सशर्त जो है वो बड़े चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने की इजाज़त दी है। और जो शर्त लगाया गया है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें अगर बात करें तो मीडिया से और मामले के गवाहों से बात करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया और गवाहों से बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक बयानबाजी से भी उन्हें बचना होगा, राजनीतिक बयान भी वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सियासी माहौल अभी चल रहा है और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बड़े लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वैसे में अभी मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर कहीं चर्चा ना करें। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो है जो एक दिन कह सकते हैं कि श्राद्ध क्रम में उनके बड़े पिताजी के श्राद्ध क्रम में शामिल होने की जो इजाज़त दी है, तो कहीं ना कहीं सशर्त जो है वो इजाज़त दी है, और पुलिस कस्टडी में ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बड़े पिताजी के श्राद्ध क्रम में वो शामिल हो पाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने बड़े चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे सशर्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।